नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका डेसिमल जो है और इसका डेसिमल है, दोनों को डेसिमल जब हटेगा तो जाहिर सी बात है दोनों नीचे आएंगे, डबल जीरो हो जाएंगे, डबल जीरो जब हो जाएंगे ये, ठीक है, तो ये डबल जीरो का ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे अगर जो डेसिमल 25 है ये क्या होगा, नीचे अगर क्या बनने वाला है भाई, ये तो 100 होने वाला है और ये इस तरह से कुछ दिखने वाला है यहाँ का जो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये बार में कटा, 4 बार में कटा, ये 6 बार में कटा, तो पूरे एक जगह पे ये आ गया 6, है ना, और 6 अगर नीचे आने वाला है ये 6 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये 6 और ये 6 ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक कट जाएगा, और डेसिमल जब हटा तो 2 जीरो का 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 12 नाइन से क्या होता है 108 आंसर तेरह, ठीक है, 108 होगा, 12 नाइन सा 108 आंसर आपका हो गया, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देख लीजिए ये जो है 125 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और ये जो दोनों है 25 ये जो 5 नीचे आ जाएंगे, ये भी 5 नीचे आ जाएंगे, और ये जो डेसिमल का जो दोनों था 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 80% है तो ये परसेंट का ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे एक्स जो है एक्स रहेगा। अब इसी को आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, कैसे करेंगे जिससे कि आपको आराम से समय बचेगा, ठीक है, तो देखो करना क्या है, 1 जीरो का 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पचे का 25 और 25 पचे का 125 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़ हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब देख लो कि 2 4 8 और 2 5 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और 4 का इधर से करेंगे तो 5 टाइम्स ये चला जाएगा, है ना, तो अब ये जब आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 गुना 50 गुना 50, तो 25 पचे का 125 और 125 पचे का 625 आंसर हो गया, क्लिक करें आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको याद रहना चाहिए, अगर यहाँ पे हम 729 को डिवाइड करना चाहेंगे 27 से तो कितना बार में जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 27 का जो होता है स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है, ठीक है, और ये 27 को अगर 27 बार में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 27 पे पावर 1/3, और 27 पे पावर 1/3 करने का मतलब 3 पे पावर 3/3 1/3 होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो पूरा सेक्शन क्या बन गया, 3 हो गया, ठीक है, ये जो यहाँ पे प्लस है प्लस तो रहेगा ही। अब देख लीजिए यहाँ के 25 नमे का क्या होता है भाई, यहाँ 25 नमे का होता है 225, और 225 पर यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, कर दिया, इंटू 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा आपका 15, है ना, ये बच गया 15। अब देख लीजिए 3 और 5 मिलकर क्या बना है यहाँ पे, 18 के बराबर यहाँ पे क्या है, x पे पावर 1/2, देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, x के पावर 1/2 यहाँ पे है, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, इस पर ये स्क्वायर चढ़ जाएगा x के बराबर, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के, 18 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, 3 2 4 होता है, क्लियर, ठीक करें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो है कि जो आगे का जो डिजिट है उसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, क्लियर, तो देख लीजिए अगर ये इसको 2+2, ठीक है, और इधर का माइनस का 2 होगा, है ना, सिर्फ क्या बचेगा, 3/4 + 5/2 और माइनस का 5/6 बचेगा, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ अब ये आपके पास बचा है 2, है ना, अच्छा इसका जो बेस है यहाँ पे 2, इसको अगर 4 बनाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये अगर 4 बनेगा तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे भी गुना करेंगे, तो यहाँ पे 13/4 हो जाएगा, माइनस का 5/6 हो जाएगा, और ये तो 2 का 2 रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा, 13 6 के 78 और 5 6 के 20 और यहाँ पर 6 4 के 24 हो जाएगा, घटाएँगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर जब घटेगा तो यहाँ पर 58 आएगा और 24 आएगा। अब इसको 2 बार में काटेंगे तो क्या बचेगा, 29 बार में 58 जाएगा, 24 12 बार में जाएगा, तो क्या बचेगा, 12 दुनिया 24 होगा, और 24 और 29 क्या होगा, 53 53/12 होगा यहाँ पे आंसर, है ना, 53/12 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, देखो इसको क्या करना होगा,
अब आपको क्वेश्चन को वन लाइन में ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन होगा, ठीक है, पेन पेपर तो मिलता नहीं जहाँ पे आपको सॉल्व करना है, या क्वेश्चन तो मिलता नहीं। तो 16 के 12 में अगर इसको पहले, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर डिवाइड का, उसके पहले क्या होता है ऑफ का काम होता है, ठीक है, ऑफ़ का काम, फिर डिवाइड का काम, फिर इनटू का काम, फिर प्लस का काम, फिर माइनस का काम, इतना होता है, जिसको बोर्डमास का नियम कहते हैं, ठीक है, बोर्डमास का नियम में ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 16 का 12 अगर आपको पता है तो 16 लाइन बार 144 होता है, और एक बच्चा छः बच्चा, 16 एकम 16 91 बच्चा। अब 91 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 91 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा भाई, 1274 आएगा, और प्लस 22 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है बराबर के उधर, दोनों को जोड़ेंगे तो 1296 आता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का अगर इस पे अगर स्क्वायर है तो इधर क्या होगा, अंडर रूट चढ़ने वाला है, और अंडर रूट जो होता है 1296 का जो वर्गमूल कितना होता है या स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, आप सभी को पता नहीं, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट 12 है तो क्या निकला, 36, ठीक है, आंसर क्या होगा, 36। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, डेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 70% ऑफ 354, 70% ऑफ 354 का अगर आप निकालेंगे तो आपको सभी को पता है कि 10% कितना होगा, 35.4 होता है, और इसका अगर 7 बार में मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे 274.8 मिल गया, ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ हो गया आपको। उसके बाद ऑलरेडी क्या लिखा हुआ, 152.2 इक्वल टू, फिर है कि x परसेंट ऑफ 40 और x परसेंट ऑफ 60, x परसेंट 40 करने का मतलब यहाँ पे हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 40x/100 और यहाँ पे 60x/100, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे तो 100 हो जाएगा, इधर अगर इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे तो 100x/ यहाँ पे 100 बचने वाला है, ये तो सीधे सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे x बचा, तो इतना करने की ज़रूरत है, सीधे हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही ऑटोमेटिक कट जाएगा, सब कट जाएगा, x बचेगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं इसको तो क्या मिलने वाला है, 400, ठीक है, 400, तो इसका वैल्यू आ गया 400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करना है, तो इन दोनों को जोड़ना है पहले, उसके बाद इसमें से घटाना है, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से जब घटाएंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 मिलने वाला है, ठीक है। और इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट है कि 1156 किसका स्क्वायर रूट है ना, 1156 होता है 34 का, क्लियर हो गया, यहाँ से आ गया निकल के, फिर क्या है, x पे पावर 1/3 छोड़ देते हैं यहाँ पे, प्लस अब 2116 का आपको मैं बताया था कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद रखना, 2116 किसका होता है, 46 का, हो गया यहाँ पे। अब इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, x पे पावर जो होगा आपका 1/3 इक्वल टू, ये तो इधर आएगा, और 34 गुना का कितना होता है भाई, 68 होता है, 68 में से 46 घटाएंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, 68 में से 46 घटाएंगे तो 22 मिलने वाला है। और याद रखिए ये कि 1/3 x पे पावर 1/3 अगर बराबर के उधर आता है तो क्या होता है, ये 22 पे पावर क्यू चल जाएगा, और 22 का पावर क्यू आपको याद करना चाहिए, आपको इसको रटना होगा, बिना रटे से काम नहीं चलने वाला है, 10648 आंसर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि देखो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, एक चीज़ मान के चलो, तो इन दोनों को जोड़ कर उसमें से घटाना होगा आपको, है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1246 और 283 यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, तो दोनों को जोड़ कर उसको घटाने पर क्या मिलने वाला है हमको, 1200 और यहाँ पे 4683 हो जाएगा, 1529 में से क्या घटाना है भाई, 1529 में से हमें घटाना है 652 को, ठीक है, ये तो हो गया, तो इसको घटाने पर मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे जब घटाएंगे तो 7 मिलेगा और यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है, 877, और इसका क्या करना है हमको, 70% निकालना है, 70% निकालना है, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल एक अंक के बाद पर जाएगा, है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, 316139 और डेसिमल का ही आ गया, ठीक है, तो इसको तो सिंप्लीफाई मैंने कर लिया। अब ये वाला अंक क्या है, इधर आकर घटेगा,
तो इसको घटा लेंगे यहीं पे 172.9 इसको घटाना है। घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, देख लीजिए घटाएंगे तो हमें मिलेगा 441। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या मिला 441 और एक्स के बराबर क्या हो जाएगा इधर अंडर रूट 441 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 21 है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया 21 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबको पहले यहाँ पे जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है फिर घटाना है, जोड़ना है फिर जोड़ना है फिर घटाना है। तो मुझे क्या मिलने वाला है अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए 9233 माइनस का इन दोनों को ऐड करेंगे अब 7598 बट्टा, अब देखो यहाँ 729 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, ये याद रखना होगा। तो ये होता है 27 का प्लस 1024 किसका होता है 32 का और 576 किसका तो 24 का, ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए ठीक है। इतना तो हो गया, आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे है ना। और इसके बाद ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बट्टा इसका क्या होता है 441 का 21 ठीक है, यहाँ तक तो हो गया बात। अब इसको जब घटाएंगे ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है 1635 और इन दोनों को जोड़ किसमें से घटाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 35 मिलेगा ठीक है, 35 मिलेगा और एक्स स्क्वायर का 21 मिलेगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या नहीं मिलने वाला है 721 7535 और इसको 5 से काटते हैं 5 × 15 5 × 10 5 × 35 तो एक्स स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 981 ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन आपका है ही नहीं, अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट होगा तो 981 का क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 31 के करीब क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर क्या होता है भाई 32 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1024 ठीक है। तो अभी हमें इसी के बीच में रखना है, 31 और 32 के बीच में ही डाटा आना चाहिए, तो 31 और 32 के बीच में आपके पास एक ही ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, आंसर क्लिक करना है ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करें सबका 7 को कॉमन ले लें ठीक है। 7 जैसे कॉमन लेंगे तो 11 बचेगा प्लस का 1.11 बचेगा फिर प्लस 11.11 बचेगा फिर प्लस 1.11 बचेगा माइनस 1.1 बचेगा, चूँकि ये इसको इधर ले आए ठीक है और बच गया कि आपके पास क्वेश्चन मार्क। अब जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे मुझे क्या मिलने वाला है भाई 123.23 बराबर एक्स स्क्वायर ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। और तो क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 826.61 सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा क्लियर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि ये आपको यहाँ पे कितना डिजिट है 2 4 6 डिजिट है तो उसका अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 3 डिजिट बाहर आएगा ना बाहर। तो और 49 का कितना होता है 7 और नीचे का 130 जो कि 6 डिजिट था तो उसका जो अंडर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 6 का 3 हो जाएगा ठीक है। उसी तरह 27 जो 729 है किसका होता है भाई आपका होता है आपका 27। अब अच्छा क्यू यहाँ पे 3 है ठीक है, यहाँ पे क्या 3 है तो क्यू के फॉर्म में कौन सा होगा ये आपको जानना होगा। तो क्यू के फॉर्म में आपका होता है 7 का ठीक है, क्यू के फॉर्म में क्या होता है 7 का नहीं, यहाँ पे क्यू का फॉर्म 7 का नहीं होगा बल्कि 9 का होगा है ना। 9 का अगर हम यहाँ पे क्यू करते हैं तो ये तो आपका 9 बट्टा कितना हो जाएगा 3 है ना ठीक है, तो 9 बट्टा 10 यहाँ पे करना होगा, इसका क्यू करेंगे होगा कि नहीं होगा ठीक है, 9 बाई 10 होगा इसका और ये क्यू चूँकि इसका क्यू करेंगे और ये जो है ये वाला जो अंडर रूट में 3 है ये 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है। उसके बाद यहाँ 225 है, 225 का होता है 15 और चूँकि 4 डिजिट है तो 2 डिजिट बाहर आएगा और ऑलरेडी यहाँ पे 1000 है ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, अब काफ़ी आसान हो जाएगा देख लो, सिंप्लीफाई करना है तो ये तो आपका
ये तो पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया है ना। अब कैसे करना है देख लो, अब तो यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो सीधे आपको क्या करना होगा, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। और उसके बाद तीन डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना होगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, 9 4 5। जब हम इसको और यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे 1 2 3 0 था, तो 3 के बाद यहाँ पर डेसिमल डाल दिए, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0.945, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे करना है सॉल्व, इसके वो देखते हैं। 75% किसका, 1452 का है ना, तो 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 लिखते हैं और इसको 1452 यहाँ पे 1452 करते हैं, इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाता है, 3 6 3, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट तो रहेगा यहाँ पे, 10 8 9, ठीक है। इसका सॉल्व तो कर दिए, फिर प्लस है, अब 5% कह रहा है, 41180 का 5%, तो 10% कहाँ होता है, 0 के बाद होता है, तो 5% तो यहाँ तो है ना, तो 5% कहाँ पे होता है आपको पता चल गया। अब इसको क्या करना है, जब आपको 5% इसको निकालेंगे, ठीक है, और पहले तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको इसका वर्गमूल भी तो निकालना है ना, 5% उसको करके फिर आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है उसका, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2209 आएगा, ठीक है, 2209 आएगा, क्लियर। और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 3 हुआ, क्यों, क्योंकि 27 का तो होता है 3 का क्यू, और ये वाला 3 जब स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट, तो सिर्फ बचा 3 है ना। और यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई 44180 ये तो 10% है ना, ये हो गया 10%, और 10% ये हो गया, तो 10% ये है, तो इसका आधा करेंगे, ठीक है, तो 2 2 0 होगा, 2 2 4 और 2 9 18, ठीक है। और इसी का मैं यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मैं लिखाऊंगा। अब 1089 किसका होता है भाई, अंडर रूट स्क्वायर, इसका जो अंडर रूट से बाहर आएगा तो किसका ये स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर होता है। 2209 किसका होता है, 47 का होता है, ये तो रटना होगा आपको, बिना रटे काम चलेगा नहीं, दोनों को जोड़ के माइनस 3 करना है, दोनों को जोड़ के आपको माइनस 3 करना है, तो दोनों को जोड़ के माइनस 3 करेंगे तो क्या आने वाला है मुझे, 80 मिल जाएगा है ना, क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, 80 मिल जाएगा। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स है, तो ये हटेगा रूट तो क्या उसके पावर चढ़ जाएगा ना, तो एक्स बराबर क्या होगा, 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर क्या होता है, 6400। आंसर क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, 6400 नहीं होगा, गलती यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को जोड़ कर आपको माइनस 3 करना था ना, तो दोनों को जोड़ेंगे माइनस 3 करेंगे तो 77 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका स्क्वायर, ये जो होगा आपका एक्स यहाँ पे जो बचेगा, स्क्वायर बचेगा। अब 77 का स्क्वायर क्या होता है, लास्ट का जो डिजिट 9 होगा, क्योंकि लास्ट का 7 7 49 होता है, तो लास्ट का डिजिट 9 है, तीनों में ये चारों डिजिट में आप देखें किसी में भी 9 नहीं है सिवाय सी को छोड़ के, तो सी नंबर ऑप्शन होगा, क्लियर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, अठे ठीक है, 6400 यहाँ पे 64 होगा, ठीक है, 64 होगा, होगा कि नहीं होगा, और इस पर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा आपका, 64 बचा। अब यहाँ पे 9 पे पावर 1/2 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे या 1/2 करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 हो गया है ना, ये माइनस का इधर आएगा और एक्स का क्यूब बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और एक्स का क्यूब का कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 का भी तो क्यूब होगा, ये कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू 4, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो देख लीजिए कैसे यहाँ पे हो गया, आराम से यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन को लेकर, और